नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का नया बयान सामने आया है जिससे राजनीतिक हलकों में हड़कंप सा मच गया है। गोपाल भार्गव का कहना है कि कुंभ में उन्होंने कांग्रेसी नेताओं की कुंडली दिखाई थी जिससे यह सरकार ज्यादा लंबी नहीं चल पाएगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कुंभ में पंडितों द्वारा बताया गया है कि यह सरकार जिन नक्षत्रों में बनी है इससे ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगी। ऐसा कहने के बाद नेता प्रतिपक्ष ने माहौल को गर्म कर दिया है। मैं चाहूंगा जिले के महामंत्री गंगाराम जी सभी मंचासीन अतिथियों का स्वागत कर लें, सभी मंचासीन अतिथियों का। क्योंकि हमारे दमों में आए हैं और जयंत भैया की भी इच्छा है कि भारत जी हमारा कुछ बहुमत कम होगा विधानसभा में। यदि यहाँ से हमारे साथी जीत के जाते हो और भी पास पड़ोस के कुछ इलाकों से जीत के जाते, जिलों से जीत के जाते तो हमारा पूर्ण बहुमत हो जाता। लेकिन तब भी हम ये कहना चाहते हैं कि हम 109 विधायक, कांग्रेस पार्टी की 114 विधायक, उनकी सरकार है, जोड़ तोड़ करके सरकार बनी है, सभी मतों को मालूम है। 11 दिसंबर को जो रिजल्ट खुले थे हमारे विधानसभा के चुनाव परिणाम घोषित हुए थे रात्रि में, उस मध्य रात्रि में मैं मान के चलता हूं, मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार के रूप में एक बीमार संतान ने जन्म लिया और बीमार संतान पैदा हुई। उस संतान में दिल लगा है बहुजन समाज पार्टी का, तो उसमें किडनी लगी है समाजवादी पार्टी की, शरीर का इस प्रकार की स्थिति है। इस संक्रमण पूर्ण शरीर के लिए पूरा शरीर जब संक्रमित हो, आज जाए कल जाए इसके बारे में मैं भविष्यवाणी नहीं करना चाहता। जो चीजों से भी पूछा है तो उन्होंने कहा है सरकार की कोई जिंदगी की गारंटी नहीं, और जो चीजों ने जैसा बताया है मैं कहना चाहता हूं, अभी कुंभ में भी मिल गए थे, हमने सरकार की कुंडली दिखाई। देखो व्यक्तियों की तो होती है, सरकार की भी कुंडली होती है, पार्टियों की भी कुंडली होती है जहां से उनके नाम शुरू होते हैं। तो उन्होंने कहा है बीमार बच्चे की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कितने दिन में चला जाए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों, हम सबको जागरूक रखें,